अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप होंगे फाइन। बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। इसके बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। आज सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं अल्केन की नोमेनक्लेचर की। अगर आज बच्चों आप ये वाला टॉपिक अपने फुली फोकस के साथ अंडरस्टैंड करते हो और समझने की कोशिश करते हो, आई होप कि आपको नेक्स्ट जो अल्कीन अल्काइन वो भी आपको बहुत जल्द जिस आपको बताएंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों इसमें कुछ चंद पॉइंट हैं वो आपने अपने माइंड में बैठा के रखने हैं, ठीक है। और जो वो हमारे पास पॉइंट होंगे वही आपको इस एबल बना देंगे, इस काबिल बना देंगे कि आपके पास जो मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो आप उसकी फौरी तौर पर जो आपकी नोमेनक्लेचर होगी आप फौरी तौर पर उसकी नोमेनक्लेचर बयान कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बच्चों सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो आपने करना है सिलेक्ट। कुछ पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले बच्चों आपने जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास बच्चों है नंबरिंग। नंबरिंग क्या है, नंबरिंग आपने उधर से स्टार्ट करनी है, यानी 1 2 3 4 आपने ये नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से आपका कोई आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट करीब लगाओ। क्या लगाओ, कोई सब्स्टिट्यूएंट करीब लगाओ, ठीक है। उधर से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। नंबरिंग आपने स्टार्ट उधर से करनी है, नंबरिंग स्टार्ट वेयर द सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच नियर। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपका सब्स्टिट्यूट क्या हो, कोई भी अल्का आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, उसमें मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, उधर से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से वो करीब हो, ठीक है। उससे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपने क्या करना है, स्टार्ट नेमिंग। आपने नाम कैसे देना है, जो आपका सब्स्टिट्यूट होगा, आगे हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको ये वाली बातें जल्दी समझ आ जाएंगी। उसकी शर्त ये कि आप ये वीडियो सारी कंप्लीट देखें तब जाके आपको कंप्लीट क्लियर आपका कंसेप्ट होगा ना। यू नो आप एक या दो मिनट देखिए या तीन मिनट देखिए तो ऐसे कंसेप्ट तो नहीं ना क्लियर होते। वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ना समझे तो फिर वो हमारी पढ़ाने की वो नाकामी होगी ना। तो अगर आप 2-3 मिनट पढ़ेंगे यानी देखेंगे वीडियो तो आप कहेंगे हमें समझ नहीं आई, तो ऐसे नहीं होता। अभी तो जस्ट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हम इन्हीं पॉइंट को फॉलो करके आगे हम नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लेकिन किस में हो, अल्केन में हो, ठीक है। तो कहते हैं स्टार्ट नेमिंग जिधर आपने जो नेमिंग एक दो आप जो नंबर देना है ना, आपने उनमें आपने नेम आपने उसके सबसे पहले लेना है जो आपका सब्स्टिट्यूट होगा, उसमें मिथाइल होगा या इथाइल प्रोपाइल जो भी आपका अल्काइल ग्रुप होगा उसको आपने क्या करना है, स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के नाम से आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बच्चों आपके जो 4 पॉइंट है वो कहती है अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा आपके अल्काइल ग्रुप अटैच हो, क्यों 2 या 2 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच हो आपके ग्रुप से अटैच हो, ठीक है। इफ़ 2 or more सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, क्या हो आर आइडेंटिकल, मतलब वो यानी मखसूस हों
their name is written only once. अगर आपके दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, लेट मी सपोज आपका मिथाइल है, ये इथाइल है, एक से ज़्यादा पोजीशन पे अटैच हैं, तो फिर आप एक ही वक्त में वंस एक ही दफ़ा आप उनको नाम दे सकते हो. जिन्हों आप जो दूसरे ग्रुप पे लगा मिथाइल उसको पहले, फिर तीसरे वाले के बाद, ऐसे नहीं, आपने एक ही दफ़ा उनको क्या करना है, मैंशन करना. और लास्ट इसकी मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ. इसकी बच्चों एग्जाम्पल होगी आपके पास, ये देखें CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, फिर कार्बन, इधर हमारे पास कोई इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, और इससे आगे हमारे नीचे मिथाइल ग्रुप अटैच है, आगे फिर हमारे पास दो ग्रुप अटैच हैं, एक हमारे पास इथाइल है, ठीक है, और नीचे अभी आपके पास क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, और इससे आगे आपके पास है, ये इधर भी आपके पास, मैं इससे मेंशन कर लेता हूँ, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, और इससे आगे आपका ये क्या है, CH2 है, और ये CH3 है. अब ध्यान से ये सारे पॉइंट मैं आपके क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है. सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आपके 4 होंगे, ऐसे आपके 6 होंगे, ऐसे आपके कितने होंगे, आपके 7 होंगे, और ऐसे भी आपके 6 होंगे, ऐसे भी आपके 6 होंगे, ठीक है. लेकिन जो लॉन्गेस्ट चेन है वो बच्चों आपकी ये है, ये वाली, ये है आपकी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये है आपकी बच्चों लॉन्गेस्ट चेन. अब पहला पॉइंट हो गया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. ध्यान से इस बात को आपने अपने माइंड में बैठाना है, बहुत आसान है. इसको आपने क्या किया, सिलेक्ट किया. दूसरा, नंबरिंग स्टार्ट वेयर द सब्स्टिट्यूएंट अटैच नियर. नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करनी है, एक दो उधर से देना जिधर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. इधर देखें, इधर तीसरे नंबर पर, इधर देखें चौथे नंबर पर, हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हो गया. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, क्लियर. नंबरिंग वेयर फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट अटैच नियर, उधर से करनी जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच करीब है. उसके बाद आपने जो नेमिंग करनी है, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनके नाम से आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है. नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए ध्यान से, इसकी आएगी 4, 4, 5, ट्राई इथाइल. क्या आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ट्राई इथाइल, और आपके पास 3, 5, डाई मिथाइल. ध्यान से ये मैं आपको समझाता हूँ, 4, 4, 5, ट्राई मिथाइल, क्योंकि तीन पोजीशन आ गई ना, तो ट्राई आगे, 2, 5 ये डाई है, 2 हमारे पास, 3, 5 ये 3 है, और 5 के साथ मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ये भी हमारे पास. टोटल हमारे पास पेरेंट एटम कंपाउंड क्या है, ऑक्टेन है, क्या है, जिसमें 8 कार्बन होते हैं वो ऑक्टेन होता है. और ये भी याद रखना, हम अल्केन की बात कर रहे हैं तो ऑक्टेन ऑक्टीन नहीं आएगा, ठीक है, ऑक्टेन एन की आवाज़ निकलेगी. और ये आपके पास क्या है, सैचुरेटेड है, कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं. अब ध्यान से, आपने पहले उस जो आपका अल्कमी, जो आपका जो सब्स्टिट्यूट है, जो हायर आपका हायर मॉलिक्यूलर मास वाला है, मीन जिसके जिसमें हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं, कार्बन एटम ज़्यादा हैं, आपने सबसे पहले उसका आपने नेम मेंशन करना है, उसके बाद लोअर का नाम बयान करना है. आप ध्यान से देखें, 4 के ऊपर 2 इथाइल है, एक ये इथाइल है और एक ये इथाइल है, ठीक है, और 5 के साथ भी क्या है, एक है इथाइल है, 4 के साथ 2 है ना, 4, 4 दो आ गया, और 5 के साथ भी है, 4, 4, 5, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए. ट्राई इथाइल ग्रुप है, इथाइल, उससे आगे हम चलते हैं जो लोअर है, एक तो हमारे पास 3 पे मिथाइल है और एक हमारे पास 5 पे मिथाइल है, 3, 5, 2 है डाई मिथाइल, टोटल कितने हमारे पास, ऑक्टेन,
बात समझा गई। और एक बात और है, वो कहती है अगर आपकी नंबर नोमेनक्लेचर के अंदर दो ऐसी पोजीशन जो उधर से भी सेम है, पोजीशन सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे। वो कहती हैं लेट मी सोल्व, मेरे पास एक चौथा जो पांचवा पॉइंट वो ये है CH3 CH2 CH CH2 CH2 और CH, तो हमारे पास मैं अगर इसको कुछ यूं लिखूं, ये मैं क्या करूं, इधर एक लगा दूं मैं इथाइल ग्रुप इधर लगा दूं और मिथाइल ग्रुप इधर लगा दूं, ठीक है। ये आप ध्यान से देखें, अब नंबरिंग आप इधर से करेंगे, इधर से भी आपका तीसरे कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूट अटैच है, इधर से भी तीसरे के साथ अटैच है, लेकिन जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा जो आपके सब्स्टिट्यूट हैं वो सेम पोजीशन पे आ जाएं, तो फिर आपने उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो आपका हायर है। तो आपके इथाइल क्या हायर है, तो आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन है, उसके बाद नंबरिंग इधर से की। आप बच्चों ध्यान से देखें, आप इसको नाम कैसे देंगे, थ्री इथाइल तीसरे के साथ इथाइल ग्रुप है, और आगे फोर के साथ क्या है, फोर के साथ मिथाइल है, फोर मिथाइल। टोटल हमारे पास कार्बन कितने, छः में क्या होता है, हेक्सेन। तो ये बच्चों बहुत आसान तरीके कार हैं नोमेनक्लेचर के, मैंने आपको बड़ी एग्जांपल दी है, ठीक है, छोटी भी हैं, इससे बड़ी भी आ जाएं, ठीक है, इससे बड़ी भी ये आ जाएं तो आपने घबराना नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देखे समझाने की कोशिश करता हूँ और टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। ये हमारे पास, मैं इधर अपने पास लिख लेता हूँ काफ़ी सारे, ये ध्यान से देखिए, मैं इधर भी कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। आपने इनकी वैलेंसी को आपने माइंड में बिठा के रखना है, फोर होती है कार्बन की, उसमें हाइड्रोजन और बांड भी काउंट होते हैं, ठीक है। और इधर भी मैं कोई लिख देता हूँ ये, ठीक है। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन इधर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गया। तो ये बच्चों आपकी आ रही है लॉन्ग चेन, लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूट अटैच करीब हो। अब देखो इधर से क्या है, एक ये पहला है, दूसरा तीसरा, इधर से पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, तीसरा इधर से भी तीसरा उधर से भी तीसरा, लेकिन मैंने अभी बात की जिधर से आपके सेम पोजीशन पे आपके ग्रुप्स हों, तो फिर आपने प्रेफर उसको करना है जो आपका हायर, जो आपका मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड होगा, ठीक है, जो आपका ग्रुप अटैच है, जो आपका सब्स्टिट्यूट जो जिसमें कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, उसको आपने फॉलो करना है। अब देखिए इधर से हमारे पास तीसरे के साथ प्रोपाइल लगा हुआ है, उधर क्या मिथाइल है, मिथाइल छोटा है, ये प्रोपाइल बड़ा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या इसका नाम आएगा, 3 प्रोपाइल, ठीक है। और उसके बाद इससे जो बड़ा है वो क्या है, 6, यानी प्रोपाइल से छोटा क्या इथाइल है, वो क्या 6 इथाइल। उसके बाद देखें उससे जो छोटा है वो 4 और 7 के साथ मिथाइल लगा हुआ है, वो क्या 4 7 2 है
डाइमिथाइल, क्या लिखा हुआ है, डाइमिथाइल नाइन है तो नोनेन आएगा, क्या आएगा, नोनेन। तो ये बच्चों थी नोमेनक्लेचर अल्केन की, मैंने अपनी ट्राई टू बेस्ट की ताकि आपको मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।